आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। खैरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में पुल निर्माण, स्ट्रीट लाइट और शपथ ग्रहण समारोह में नाश्ते का फर्जी बिल लगाकर 19 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि न गांव में स्ट्रीट लाइट ही लगी है और न ही पुल का निर्माण करवाया गया है। इस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए बिना कार्य के वित्तीय आहरण कर लिया गया। उप सरपंच और ग्रामीणों द्वारा जब सरपंच के खिलाफ जिला कलेक्टर और जनपद CEO को शिकायत की गई, तब SDM को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच में शिकायत सही पाई गई और SDM ने धारा 40 के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच पर कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए। पर कोरोना महामारी के चलते रायगढ़ में लगातार लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, जिस पर सरपंच के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पा रही है। खैरपुर उप सरपंच के द्वारा लगातार सरपंच पर दबाव बनाया गया, जिस पर सरपंच ने 7,20,000 रुपए को ग्राम पंचायत के खाते में रिटर्न किया और अभी भी 12,21,000 की राशि को ग्राम पंचायत में रिटर्न करना बाकी है। इस पर रायगढ़ SDM जुगल किशोर उर्वासा ने बताया कि रायगढ़ में जैसे ही लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत खैरपुर सरपंच के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। 7,00,000 रुपए की अभी हरण किया गया था पंचायत सरपंच के द्वारा या सचिव के द्वारा, उस पर अभी कुछ रिकवर किए गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, जब स्टार्टिंग में पता चला तो गांव वालों के ऑडिशन करने के बाद में 7,00,000 रुपए वापस डाला था सरपंच और सचिव ने कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ करके, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई दबाव नहीं बनाया गया रिकवरी के लिए। अभी तक 12,00,000 रुपए का कोई हिसाब नहीं। कितना हो गया मैम? कितना माह? जून में हमने किया था, अभी सितंबर हो गया, सितंबर के फर्स्ट मंथ तक अभी तो कुछ भी नहीं। ग्राम पंचायत में धारा 44 के तहत सरपंच के ऊपर कार्रवाई होना था, उसके बाद ग्राम पंचायत खैरपुर के सरपंच के विरुद्ध पंचायत के कुछ कार्यों के संबंध में अनियमित था बरती गई है और इसका एक रिपोर्ट जनपद के माध्यम से प्राप्त हुआ है और धारा 40 के तहत उनको सभी को नोटिस दिया जा रहा है और प्रतिवेदन लेने के पश्चात उसकी कार्रवाई की गई है। जी सर, इसमें 19,30,000 रुपए के घोटाला हुआ था, जिसमें 7,20,000 रुपए का रिकवर किया गया है सरपंच के उप सरपंच के दबाव के कारण, और अभी तक 12,21,000 रिकवर नहीं हुआ है सर। सारे तथ्यों को देखा जाएगा, उसमें एविडेंस है, दस्तावेज है, सबके परीक्षण करने के पश्चात ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है और जो रिपोर्ट आया है और उसको परीक्षण किया जाएगा और सभी पक्षों को सुना जाएगा, सुनने के पश्चात उसमें KSN 24 न्यूज के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।